दोस्तों आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरगावा की दुनिया तक। आज हम आए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोहल्ले की बात करते हैं हर इतवार को, शहर की जो जो दिक्कतें होती हैं उसको हम उजागर करते हैं। आज हम आए हैं लाल सराय पानी टंकी के नीचे, तो यहाँ के लोग बहुत परेशान है। चलिए इन्हीं लोगों से पता करते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई साहब शिवम है। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, यहाँ पे जो ट्यूबवेल बंदे आए उसका नाम क्या, वहाँ से शौचालय का गेट बंद रहता है। दो गेट आए, कहते हैं ऊपर से आदेश है गेट नहीं खुलेगा, किसी के बाप में दम है तो गेट खुलवा लीजिए। और यहाँ जो देखिए सर, यहाँ पर जो गड्ढा है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, जो 6 से 7 फुट का गड्ढा है, इसमें अगर बच्चा गिर जाएगा तो वो तो मरी जाएगा। बोलते हैं गेट नहीं खुलेगा, किसी के बाप में दम हो। शौचालय को पूरा घर बना रखा है। अच्छा, सार्वजनिक शौचालय है ये, तो इसमें लोग रह रहे हैं? हाँ, इसमें रह रहे हैं, घर बना रहे हैं, उनकी लड़कियाँ भी रहती, फैमिली भी रहती है, पूरा घर बनाए रखे हुए हैं। गंगा भी होता गलत। हाँ, गड्ढा ये कब तक खुदा पड़ा? ये गड्ढा लगभग 15 दिन हो गए साहब। चलिए महिला से बात करते हैं, आप बताइए क्या नाम है आपका? हम इनकी माँ आएंगे, शाम को बच्चों के चक्कर में बच्चा इधर से लेके जा रहे, तो वो बच्चा लुढ़क गया, तो इधर से गेट खुलाने तो उनसे लड़ाई होने लगी बगल वालन की, तो हम भी गए पास में, तो बोले कि वो टाइम देखो कितने 10 बज रहे हैं, हम कम्प्लेट करें, मेरी मर्जी हुई तब खुली, मर्जी हुई तब ना खुली। क्या किसी शौचालय किसी के बाप को है क्या? और शौचालय जाते हैं तो जाने नहीं देते, शौचालय जाते हैं तो बहुत देर लोग गेट खटखटाते हैं, तब गेट खोलते हैं, अगर पेट खराब हो तो लेडी निकल जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? इच्छा हो या खोलेंगे, इच्छा नहीं खोलेंगे। और जो अंदर है उसमें देखो लेडीज सफाई भी नहीं रहता है, जिसमें औरतें हाथ धुल होती है वो बाहर लगाई दो है। सुविधा जो भी ज्यादा लेते हैं, आइए इन्हें पूछते हैं। क्या नाम तुम्हारा? राम रईस मेरा नाम है। क्या क्या दिक्कत? मैं लेटरिन करने जाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले ही मांग लेते हैं, बाद में नहीं लेते हैं। नहीं, 10 रुपए मांग लेते तो यहाँ कितना शुल्क है इसका? यहाँ शुल्क इसका 5 रुपए का है और 10 रुपए लेते हैं, मतलब डबल पैसे लेते हैं। हाँ, डबल देखा जाओ, डबल लेते हैं, दोबारा पैसे लेंगे। जब से हम लोगों को बहुत किसी किसी टाइम पेट खराब हो जाता है, नहीं बातें, अगर पेट खराब हो गया आराम दिए हम लोगों को, वैसे भी 450 रुपए चले जाते हैं लेटरिन में, बताओ पैदा नहीं कर पाता हूँ, क्या करूँगा, खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, दबेदार पैदा होने के लिए लॉकडाउन। आप लोगों ने शिकायत करी नगर पालिका, किससे करें बताओ? शिकायत किससे करें? यहाँ फोन आता है जो चेयरमैन पास जाते हैं, चेयरमैन बढ़ा देते हैं, चेयरमैन पास जाते हैं, चेयरमैन लोग बढ़ा देते हैं, आप जो करना है तो कर लेने लगे। और यहाँ शौचालय में जाते हैं हम लोग, बेल बेक आते हैं, जो तुम्हें खाना खुरवा लेना आगे जाइए, कुतवाली जाइए, कम्प्लीट करवाइए, कुछ करवाइए। तो यहाँ पे आगे हम लोग एक महीने 50 रुपए लेटरिन करने जाते हैं, तो लेटरिन करने में उन्हें 50 रुपया चाहिए, 10 रुपया हिसाब जोड़े 150 रुपया हुई है, 50 रुपया 100 रुपया हो गया। अब हमें रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चला के आपको अपने बच्चे पेड़ भराएंगे या अपने पैसे देंगे? लेटरिन में कब्जा करे हुए हैं? हाँ, कब्जा कर बैठे, पूरा बना बना रखा, शोरूम समझो, अपना जो समझ लो मकान बना रखा है बिल्कुल। सर आज में कोई भी बहन बेटियाँ आती हैं, ये लोग आज में आवाज लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। ये लोग कहाँ के बोलते हैं मालूम क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं मेरी हुमा, मेरा शौचालय है, मैं खोलूं या ना खोलूं, बस पूरी तरह से कब्जा करे हुए, पूरी तरीके से अपना जो मतलब हुकूमत जमाए हुए, मकान पीछे वहाँ नहीं रहते, यहाँ पीछे मकान है, मकान में कोई नहीं रहता है, यहाँ बंगला बना रखा है, यहाँ उन्होंने मकान बना रखा है। डायरेक्ट देखिए आप, फोटो लीजिए आप, बच्चे लैटरिन जाते हैं यहाँ, तो उन्होंने जाने के लिए मना कर दिया, बच्चे अगर गिर जाएंगे तो नुकसान है, ये बताइए। दो गेट है बोली, ऊपर से हमें आदेश है, किस चीज का आदेश है? सरकारी शौचालय का कोई आदेश नहीं होता है, वो दोनों साइड के गेट खुलेंगे ना, अब बताइए मुझे किस साइड के। और बोली आप उधर चल के देखिए, पन्नी वहाँ लगा रखी, बोली आज पन्नी लगाई तो कल पन्नी लगा ली है, पन्नी में आग लगा दो, टीम में आग कौन लगा दो? हाँ खाना बना रखा है में, आइए जानते हैं शौचालय रख रखाव करने वालों से, आखिर ये गेट उधर क्यों बंद करे? अभी अपनी क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मीनू। तो आप उधर का गेट क्यों बंद करे? ये गेट उधर का इसलिए बंद है, उधर है रिक्शा कंपनी,
सारे लोग चिलम पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दिन भर गाली गलौज करते हैं। जब कुछ भी होता है तो दो फाटक होने से एक उधर से घूम के भागे, चारों तरफ की रास्ता खुली है, उधर से भागेंगे, इधर से निकल जाएंगे। मारपीट होते होते कई लोग अंदर तक आए, पुलिस तक आई है यहाँ तक। इसलिए एक गेट बंद रखा है, क्योंकि जो भी लैटिन आएगा उन्हें तो लैटिन ही जाने हैं। आप बताइए, और कोरोना के समय से ये जो भी अधिकारी आए तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दो गेट की क्या जरूरत है, गंदगी फैलाए हुए चारों तरफ से, बीमारी फैल रही है। कौन अधिकारी कहेगा? अब भैया मेरे आए कोरोना वाले आ रहे हैं, कहीं बच्चे लगाए भैया, मैन बचा। आप ये बताइए, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से बात कर रहे हैं। आप सुनिए, आप हमारी बात सुनिए, ये मशीन लगी है, पानी फैल रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, लैट्रिन जाना कि दोनों फाटकों से भागना? आप हमें जवाब दे दीजिए व्यक्तिगत तौर पे। लैट्रिन जाने की सुविधा चाहिए कि व्यक्तिगत भागने की सुविधा चाहिए, कि जुआ खेल के जब पुलिस आएगी इधर से तो हम इधर से भागें, इधर से निकल जाएं? अच्छा ये एक आरोप ये भी लगा रहे कि 10 रुपए ले रहे हैं, है? ये एक भी अगर माता रानी की कसम खा के कह दे हमने स्थापना की है कि हम 10 रुपए लेते हैं, तो आप ये लोग जो कहेंगे हम इनके सबके पैर छूने को तैयार हैं। बच्चे दो तीन दिन मेरा बच्चा लैट्रिन में हग रिया है और कदम भी खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बच्चों के पैसे लेते हैं, बच्चों तक के पैसे लेते हैं तुम लोग, हैं छोटे छोटे बच्चे पैसे मांग रहे हैं। लालसराय पानी की टंकी के पास जो सुलभ शौचालय है, वहाँ के निवासी बहुत त्रस्त हैं शौचालय की देखभाल करने वालों से, और वहाँ के निवासी इतने परेशान हैं कि एक साइड में काम चल रहा है, दूसरी साइड का गेट बंद कर रखा है, और उसके लिए बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। और प्रति व्यक्ति से 10 रुपये वसूला जाता है, कि जब अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो 2-4 बार जाता है, तो 2-4 बार उनका कहना है कि हर बार 10 रुपये देंगे तो हम इतने रुपये कहाँ से लाएं। खैर आप देखते रहिए यूपी छत्तर न्यूज़, फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर। मैं फिर कहूँगा आपसे कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और देखते रहें यूपी छत्तर न्यूज़। जय हिंद।